हाय, हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है बीएस प्रधान और आप देख रहे हैं गोमेज जॉब्स की नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको आसाम रैली के बारे में बताने वाला हूं। आसाम में जो इंडियन आर्मी के रैली होने वाले हैं उसके बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, इसमें मैं सारी डिटेल्स बताऊंगा, जैसे कि एज लिमिट क्या है, हाइट क्या है, वेट क्या है, तो ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन फ्रॉम 25 अगस्त 2017 टू 8 अगस्त 2017। तो फ्रेंड्स, इसमें जो रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 25 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच में होगा, और जो आर्मी की रिक्रूटमेंट रैली है वो आपका 24 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में होगा, जो कि आपका वेन्यू है 8 आसाम पुलिस ग्राउंड, अभयपुरी, डिस्ट्रिक्ट बंगाईगांव, आसाम। तो इसमें आपके रैली होने वाले हैं। नेक्स्ट, आपके यहाँ पे रैली शेड्यूल कुछ दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। 24 अगस्त को आपका चिरांग डिस्ट्रिक्ट के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए होने वाला है, 25 अगस्त को उकराझर, 26 अगस्त को गोपालपारा, 27 अगस्त को बारपेटा, 28 अगस्त को धुबरी, साउथ सलमारा, मांकाचर, और 29 अगस्त को आपका बंगाईगांव के लिए होगा, और 30 और 31 अगस्त को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन जो बैलेंस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ रिमार्क दिया हुआ है वो आप देख लीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन एंड एडमिट कार्ड इज कंपलसरी फॉर पार्टिसिपेशन। तो आपको इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, और एडमिट कार्ड भी जरूरी है इसके लिए। और ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 25 अगस्त से लेके 8 अक्टूबर के बीच में आप कर सकते हैं। और जो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज डेट दिया हुआ है वो आपका चेंज होंगे तो आपको प्रेस में नोटिफिकेशन आ जाएगा। नेक्स्ट, इसमें कुछ रिक्वायरमेंट है वो देख लेते हैं। सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए आपका एज यहाँ पे 17.5 से लेके 21 साल है। उस तरह सोल्जर जनरल ड्यूटी गोरखा के लिए यहाँ पे, उसमें भी 17.5 से लेकर 21 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो आप 1 अक्टूबर 1996 से लेके 1 अप्रैल 2000 के बीच में आपका बर्थडे होना चाहिए। उस तरह जो सोल्जर ट्रेड्समैन, सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, तो ये सारे में आपका 17.5 से लेके 23 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। और इसमें आपका कट ऑफ डेट जो बर्थ है आपका 1 अक्टूबर 1994 से लेके 1 अप्रैल 2000 होना चाहिए। और फ्रेंड्स, इसमें आपका हाइट भी दिया हुआ है, जनरल ड्यूटी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, सोल्जर जनरल ड्यूटी गोरखा के लिए 157 सेंटीमीटर, और इसमें सारे में आपका वेट 48 केजी है, और चेस्ट आपका 77+5 सेंटीमीटर इन एक्सपेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए आप क्लास 10th पास होने चाहिए, 33% इन ईच सब्जेक्ट होना चाहिए, और 45% इन एग्रीगेट होना चाहिए, और जो आपका 10+2 लेवल है उसमें कुछ भी परसेंटेज आपको इसमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट, आपका सोल्जर जनरल ड्यूटी गोरखा के लिए आपका, इसमें भी आपका क्लास 10th पास होना चाहिए, और 33% इन ईच सब्जेक्ट एंड एग्रीगेट में आपका 45% होना चाहिए। नेक्स्ट, आपका सोल्जर ट्रेड्समैन, इसमें भी आपका क्लास 10th सिंपल पास होना चाहिए, और जो हाउस कीपर एंड मेस कीपर की पोस्ट है उसमें आपका 8th पास चाहिए। नेक्स्ट, आपका सोल्जर टेक्निकल है, इसमें आपको 10+2 इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, और आपका साइंस होना चाहिए, उसमें सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश विथ 50% मार्क इन एग्रीगेट एंड 40% मार्क इन ईच सब्जेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, आपका यहाँ पे सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट है, इसमें भी आपका 40% इन कंपल्सरी सब्जेक्ट फिजिक्स, इंग्लिश और बायोलॉजी होना चाहिए, एंड 50% इन एग्रीगेट 10+2 इंटरमीडिएट में होना चाहिए। और उसके अलावा इनकेस ऑफ ग्रेजुएट, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो वो आप बीएससी डिग्री होना चाहिए आपके पास बॉटनी, जूलॉजी या फिर बायोसाइंस में, एंड इंग्लिश आपका सिंपल पास होना चाहिए। नेक्स्ट, आपका जो लास्ट पोस्ट है सोल्जर क्लर्क, सोल्जर स्टोर कीपर एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट, तो इसमें आपका 12th पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में होने चाहिए, आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया, साइंस हो गया, मिनिमम आपका इसमें 60% इन एग्रीगेट होना चाहिए। और के अलावा आपके पास अगर कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड इंग्लिश, मैथ, अकाउंट्स और बुक कीपिंग इन 10th एंड 12th स्टैंडर्ड, तो आप अगर इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 12th में आपका इंग्लिश, मैथ, अकाउंट और बुक कीपिंग होना चाहिए, और उसमें भी आपका मिनिमम 50% मार्क इन ईच सब्जेक्ट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था क्वालिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही था, जो कुछ डिटेल्स था मैंने आपको पूरा बता दिया है। अगर फिर भी आपके मन में कुछ डाउट रह गया तो नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कॉमेंट एंड शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। गोमेज जॉब्स की नोटिफिकेशन जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।
गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।